गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो राधे राधे सभी को। सामने देख सकते दो काफ़ी ज़्यादा उसमें गाड़ियाँ खड़ी है। सबसे ज़्यादा स्पेशल मेरे को ये अपनी लेजेंडरी 220F है, नया वाला मॉडल है, 2024 का नंबर प्लेट तक लगी नहीं इसके अंदर। तो इसकी हम लोग ड्राइव रेस करने जा रहे हैं। E20 वाला मॉडल है ये वाली है। और दूसरी बात करूँ तो अपनी R15M है, ये BS6 वाला मॉडल है, BS7 नहीं है, जिसमें आपको TFT आता था वो नहीं है। ये जो अपना नॉर्मल मीटर आ रहा था वही आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करूँ पावर फिगर्स के मामले और इंजन के मामले, तो इंजन के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तकरीबन 220 cc का इंजन है। इसकी बात करूँ तो 155 cc का इंजन है। लेकिन बात ये हो जाती है कि भाई आपको जैसे पता है R15 की M की जो स्पेशलिटी है वो है भाई इस गाड़ी का जो VVA टेक्नोलॉजी आती है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। VVA टेक्नोलॉजी जो इसको मदद करती है भाई टॉप एंड में, जैसी अगर आप 7-8 हज़ार के ऊपर जाते हो RPM में, तो भाई एक तगड़ा सा बूस्ट आने लग जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी 200 cc में मोस्टली सभी गाड़ियों को पीछे कर देती है। पावर की बात करूँ तो 18.5 BHP की पावर 14.67 का टॉर्क प्रोड्यूस करती है आपकी R15M। और उसकी बात करूँ तकरीबन 21 BHP के आसपास की वो पावर प्रोड्यूस करती है। टॉर्क की बात करूँ 16-17 ऐसे कुछ टॉर्क है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूँगा, वहाँ देख लेना। तो आज करने जा रहे हैं इनकी रेस और देखते हैं क्या रहने वाला है रिजल्ट। तो भाई मैं आ चुका हूँ, सबसे पहले 220 चला रहा हूँ, RN अपने ये जो R15M में वो चलाने, उसके बाद लोग राइडर स्विच करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। क्विक शिफ्टर नहीं, और भाई ये हम लोग हवा की तरह एकदम बातें करते हुए हम लोग UBDF को हम लोगों ने कर दिया बीट। देखा जाए तो R15M को तो वैसे भी भाई 143 तक जा रही है भाई, 136 या शायद 137 तक हो जाती है हमारी पल्सर 220, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई टॉप एंड में, तो वो भाई एक मतलब निकल ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ मुझे पहले से मालूम थी कि R15 भी विनर रहने वाली है इस रेस की। इसको कहाँ कोई हरा पाएगा भाई, देख रहे हैं आप लोग 150 छूने वाली है, देखिए एंड ये लगा 150। तो भाई ये था पहले रेस का रिजल्ट। पहले रेस के रिजल्ट की बात करते तो इनिशियल में क्या निकली थी भाई, तो इनिशियल पंच काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसको देखने को मिलने वाला है, बट स्टिल टॉप एंड में जैसे आपको बताया मैंने कि अगर जैसे ही हायर रेफर में पहुंचती है अपने रेफ बैंड के अंदर आती तो डेफिनेटली वो आगे निकल जाती है। अभी वैसे नया इंजन अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं, 1.5 महीने हुए इस गाड़ी को आया, तो मे बी इस वजह से नहीं जा पा रही हो, अभी इंजन उतना खुला ना हो तो इसी वजह से भाग नहीं पा रही। लेकिन हम लोग एक काम करेंगे, आगे जाके दोबारा ट्राई करेंगे ये बार इसकी सर्विस हो जाए एक दो, उसके बाद इसको दोबारा हम लोग करें, क्योंकि अभी इसका इंजन उतना ज़्यादा खुला नहीं है कि ज़्यादा रेफ तक मतलब हायर रेफ पे उतनी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर पाए। बट स्टिल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कम से कम ये तक मेरे ख्याल से 100 या उसके ऊपर तक ये आ गई थी, जैसे हाई रेव आया उसके बाद रेव बैंड में जब ये अपने पहुंची तभी आगे निकला। अभी काम कर रहे राइडर स्विच करने जा रहे हैं, मैं चलाने जा रहा हूँ R15M और जॉरन भाई वो चलेंगे अपनी 220F।
भाई R5 पीछे रह गई है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, आई नो दैट बीस्ट, वो आगे ज़रूर आएगी। आ गई, निकल भी गई, मैंने क्या कहा था। देखो भाई उस बाइक को हराना थोड़ा सा, देखो पिकअप में निकली कि नहीं निकली, पिकअप में देखो मैंने क्या कहा था, दोनों राउंड में हमारी यही निकली, लेकिन भाई फिर टॉप एंड में वो बाइक अलग चीज़ है भाई। इससे ऊपर जा ही नहीं रही है भाई, ये 138 चलो कहते ही चली गई, तो 139, अरे डीमोटिवेट करे तो क्या, टॉप स्पीड बढ़ रही, 40 41, लेकिन पकड़ नहीं पाएगी भाई। ये तो पास जा रही है, ये विवेक भाई एकदम पूरा आगे आने का मौका दे रहे हैं क्या, मतलब भाई तो एकदम फुल, मतलब एकदम कि आओ हराऊंगा, ऐसे भी हराऊंगा। आप तो भाई हार गए, आप थोड़ी पकड़ पाओगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा हरा देगा। देखो पीछे रह गया विवेक, नो चांस ब्रदर, तुम आप चाहे जितना ट्राई कर लो। एंड आर रेस एंड्स हियर, तो देखो प्रॉपर विनर देखा जाए तो हमारी R5 ME है, वो तो बीच में बस थोड़ी सी धीमे कर ली गई थी बाइक, तो यहीं पे लगा लेते हैं। सेकंड और खींचते ना, पीछे ही थे भाई, देखो वो तो फिर टॉप एंड में नहीं करा पाएगी, टॉप एंड में मुश्किल है, इनिशियल मिड में आगे निकल गए। हाँ सो भाई ये था रेस का रिजल्ट, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करूँ अगर मैं दूसरे रेस के रिजल्ट की, तो भाई R5 इसमें भी आगे निकल गई थी टॉप एंड में, मैंने थोड़ा मौका दिया था और लास्ट में कवर अप भी कर रही थी, बस थोड़ा जल्दी उठा दी, वैसे कोई मतलब था नहीं, तब निकल तब भी ये जाती। सो बात करूँ 290 की, तो भाई जैसे आपको बताया भी नया इंजन है, सारी से नहीं भाग पा रही, पर डेफिनेटली एक दो सर्विस के बाद अगर करूँ तो, क्योंकि भाई इससे मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, टक्कर देती है। सो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।